स्टूडेंट्स, तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट्स फॉर्मल चार्ज। तो आज हम फॉर्मल चार्ज के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होती है, उससे पहले जो एक अयान होता है, पॉली एटॉमिक अयान, बेटा जो पॉली एटॉमिक अयान होता है, अगर हमारे पास एक पॉली एटॉमिक अयान है, मान लीजिए हमारे पास है Ab3+2। अगर एक पॉली एटॉमिक अयान है तो इस पॉली एटॉमिक अयान में जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है ये होल चार्ज है ऑन दिस अयान, ठीक है ना। लेकिन जो इंडिविजुअल एटम्स है, अगर हमारे पास है Ab3, ऐसे Ab3, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये होल चार्ज है ऑफ दिस अयान। लेकिन हम इंडिविजुअल एटम्स जो है उनकी भी चार्ज असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हम असाइन चार्ज करेंगे इंडिविजुअल एटम्स की, जो असाइन करेंगे हम चार्ज, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ ए, तो हमने जो ए पे इंडिविजुअल चार्ज असाइन की, इसी को हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन में जो हम इंडिविजुअल एटम्स की चार्ज असाइन करेंगे उसको बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। सो इट इज द अपेरेंट चार्ज, बेटा ये है क्या है, ये अपेरेंट चार्ज है, ठीक है ना, असाइन टू द एटम इन एन आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन में जो हम चार्ज असाइन करेंगे बाई यूजिंग सर्टन एजम्पशंस, जब हम किसी एटम को चार्ज असाइन करेंगे इन एन पॉली एटॉमिक आयन, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं, उस अपेरेंट चार्ज को हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो इस फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एक एटम की फार्मूला चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, एक एटम की फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं इन एन आयन, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, दैट्स फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है ना, माइनस वी हैव देन नंबर ऑफ अनशील्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशील्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद माइनस 1/2 इनटू नंबर ऑफ शील्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शील्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है फार्मूला चार्ज निकालने के लिए। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है, हमारे पास है NH4+, ये अमोनियम आयन है, ठीक है ना, ये अमोनियम आयन है। तो हमारे पास है NH, ठीक है ना। तो इसमें हम नाइट्रोजन की जो फार्मूला चार्ज है उसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें नाइट्रोजन की फार्मूला चार्ज निकालनी है, सो फार्मूला चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो बॉन्डिंग हुई है तो इसमें अब नाइट्रोजन पे कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो -0, -1/2, उसके बाद इनटू नंबर ऑफ शील्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो शील्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, हो गए 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज 5 -0 मीन्स -1/2, तो ये है 0 -1/2, 2, 1 जा 2, 4 जा 8, सो दैट इज यहाँ पे आएगा -4, दैट इज 5 -4, दैट इज 1, तो यहाँ पे चार्ज आ गई +1, तो ये है फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन की जो फार्मूला चार्ज है उसको भी निकालेंगे। तो फार्मूला चार्ज ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फार्मूला चार्ज कैसे निकालेंगे, तो अगेन हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बात करेंगे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, ठीक है ना, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनशेयर्ड तो लोन पेयर कोई नहीं है, -0, -1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, शेयर्ड है इसके हाइड्रोजन के, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के रिलेटेड, तो हाइड्रोजन के पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, ठीक है ना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 एंड 2 कैंसर, दिस इज 1 -1, दैट इज 0, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन पे एक फॉर्मूला चार्ज है 1+2, सो टोटल चार्ज ऑन दिस अयान NH4 इट इज +1, दैट इज NH4+2, इट्स अमोनियम अयान, ठीक है ना। तो ये है फार्मूला कैसे हम निकालेंगे फार्मूला चार्ज ऑफ एन अयान, ठीक है ना। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, चीजों को क्लियर करने के लिए दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लेंगे
कार्बोनेट आयन CO3 डाई नेगेटिव। तो CO3 डाई नेगेटिव का जो लिव स्ट्रक्चर है उसको हमने कल भी बनाया, ठीक है ना। तो ये है CO3 डाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और जो सेंट्रल एलिमेंट है कार्बन, इसका हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। देखो यहाँ पे दो है, दो दो चार, दो छः दो आठ, यहाँ पे दो 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 चार, दो छः दो आठ, यहाँ पे चार दो छः दो आठ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन पे चार दो छः दो आठ, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे फार्मूला चार्ज ऑन कार्बन। तो कार्बन की फार्मूला चार्ज निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में बेटा, वो है चार, ठीक है ना। माइनस नंबर ऑफ अनश्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में अनश्योर्ड इलेक्ट्रॉन है जीरो, ठीक है ना। माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ श्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे, चार दो छः दो आठ, तो ये है आठ, ठीक है ना। तो ये है 2 1 जा 2 4 जा, इट बिकम्स 4 -4, दैट इज 4 -4, दैट इज जीरो। इसका मतलब है कार्बन पे कोई फार्मूला चार्ज नहीं है, ठीक है ना, इन कार्बोनेट आयन। तो अब हम देखेंगे फार्मूला चार्ज ऑन ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो बेटा अब हम देखेंगे फार्मूला चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो वो है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है ना। माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो दो दो चार, इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, दो दो चार, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लोन पे कितने हैं चार। -1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है चार, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 6 -4, ये 2 2 जा, सो 6 -4 -2, ठीक है ना। 6 -4 -2, तो ये है 6 -6, दैट इज जीरो। इसका मतलब है ऑक्सीजन पे भी देखो, या इस ऑक्सीजन पे जो फार्मूला चार्ज है दैट इज जीरो, इस कार्बन पे जो फार्मूला चार्ज है दैट इज जीरो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फार्मूला चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे फार्मूला चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड दोनों हैं, दो दो चार दो छः, तो 6 नंबर ऑफ अनश्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, -1/2 इंटू, तो नंबर ऑफ श्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ श्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है 2, श्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, ठीक है ना। तो 6 -6, तो ये कैंसल, -1, सो इट इज 6 -6 -1, दैट इज 7, तो ठीक है ना। 6 -7, दैट इज -1, तो -1, ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इस पे -1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या है कार्बोनेट आयन पे, इट इज -2, ये है -2, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला चार्ज ऑन एन एटम इन पॉली एटॉमिक आयन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, दैट्स फार्मूला चार्ज।